अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था कि ब्रिटिशर्स का रूल कैसे क्या क्या हो रहा था, कैसे एजुकेशन सिस्टम, पिछले चैप्टर तक हमने पढ़ा था कि कैसे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाए गए या कैसे कौन कौन लोग क्या क्या टास्क कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए। जैसे हमने पढ़ा था, जस्ट सेकेंड, हमने पढ़ा था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना एक स्कूल खोला, बोर्ड ऑफ पीस शांति निकेतन वगैरह। अब वो हमें पढ़ा रहे हैं कि विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स, कि विमेन की लाइफ कैसी थी, कास्ट सिस्टम क्या था उस टाइम पे, और फिर क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, क्या क्या बदलाव की ज़रूरत थी। नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट, तो ये तीन चीज़ों पे बेस्ड है, ठीक है। अब ये चैप्टर मल्टीपल वीडियोस में बनेगा, तो बिकॉज एक ही गो में बहुत ही लंबा चैप्टर, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कवर, तो देखते हैं जितना भी मैक्सिमम कवर हो सकता है एक पार्ट में। तो हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो, क्या आपने कभी सोचा है 200 साल पहले बच्चे कैसे रहते थे। नाउ डेज, अब प्रेजेंट में क्या होता है, मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज, लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों के साथ पढ़ रही हैं। ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, और जब वो बड़े हो जाती हैं लड़कियाँ तो वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी जाती हैं, एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट, और उसके बाद जॉब्स भी करती हैं। दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड, और मैरिज करने से पहले उन्हें एक पर्टिकुलर एज, एडल्ट एज तक पहुँचना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक, और लॉ के अकॉर्डिंगली वो किसी को भी मैरी कर सकती हैं, होम दे लाइक, फ्रॉम एनी कास्ट कम्युनिटी, कोई भी कास्ट का बंदा हो, कोई भी कम्युनिटी का बंदा हो, वो जो लड़कियाँ हैं वो मैरी कर सकती हैं अपनी मर्जी से आफ्टर बींग एडल्ट, एंड विडोज़ कैन री मैरी टू, और विडोज़ की भी री मैरिज हो जाती है। विडोज़ कौन होती हैं, वो वाली लेडीज़ जिनके हस्बैंड्स नहीं रहते। ऑल वीमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन, सो आज की डेट में सारी वीमेन इलेक्शंस में भी खड़ी हो सकती हैं और वोटिंग भी दे सकती हैं। ऑफकोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली इन्जॉयड बाय ऑल, बट ये वाले राइट्स सारी वीमेन को अवेलेबल नहीं हैं, बिकॉज कई लोग जो पिछड़े हुए ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो वीमेन को ये सारे राइट्स अवेलेबल नहीं होने देते, कुछ ना कुछ पाबंदियाँ लगा देते हैं। Poor people have little or no access to education and in many families women cannot choose their husbands. कि एक तो गरीबी के कारण क्यों है women को ये अभी भी rights available, कि एक तो या तो गरीब है वो इसलिए उनको ये rights available नहीं है, गरीबी के कारण, poverty के कारण, या फिर दूसरा कि बहुत सारी families का ये ऐसा thought process है कि हमारी मर्जी से ही जो है लड़कियां शादी करेंगी, वो अपने आप अपने husbands को choose नहीं कर सकती। So another thing is that there is a thinking problem. 200 years ago things were very different. अब वो कह रहे हैं 200 साल पहले ये सब चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, जो हम अभी बड़ी आसानी से पढ़ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं बीइंग फीमेल्स, वो पहले ऐसा नहीं था। मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट दी अर्ली एज, जिसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज, तो चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, बच्चों की छोटी छोटी उम्र में ही शादियाँ हो जाती थी। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, जिसको बोलते हैं पॉलीगैमी, सो पॉलीगैमी POLYGAMY, तो हिंदू और मुस्लिम मैन, आपने देखा होगा पुराने राजे महाराजे कितनी कितनी बीवियाँ थी उनकी, तो मैन और वेमेन जो हिंदू और मुस्लिम मैन थे वो मल्टीपल शादियाँ कर सकते थे, मल्टीपल वाइव्स रख सकते थे। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वर प्रेस्ड इफ दे चोज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स, जिसको बोलते हैं सती, तो विडोज़ को प्रेज़ किया जाता था अगर कोई एक विडो, मतलब जिसका हस्बैंड मर गया हो, और फिर वो जो उसकी विडो है वो भी अगर फ्यूनरल पायर में, फ्यूनरल पायर मतलब होता है जो जिस अग्नि में हस्बैंड की बॉडी को लास्ट संस्कार किया जाता है, उसमें अगर विमेन भी अपने यहाँ जान दे देती थी, अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेती थी, तो ऐसी विडोज़ की प्रेज की जाती थी। विमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती, और ऐसी विमेन, इस प्रैक्टिस को क्या बोला जाता था, सती प्रैक्टिस, और ऐसी विमेन जो उस ऐसे अपनी जान कुर्बान कर देती थी, सेक्रीफाइस कर देती थी, उनको सती बोला जाता था, मीनिंग वर्चुअस वुमेन। सती का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग वर्चुअस वुमेन, ठीक है। नाउ विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, अब विमेन के पास ये तो इनफैक्ट 2005 तक विमेन के पास प्रॉपर्टी में, अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी में राइट ही नहीं था, सब प्रॉपर्टी जो है वो लड़कों को ही मिलती थी। बिसाइड्स मोस्ट विमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन,
और मोस्ट वुमेन को एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी, उनको घर के कामों के लिए रखा गया था. इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ वुमेन वॉज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो. और बहुत सारी कंट्री के मतलब हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में तो ये सोचा जाता था कि अगर लड़की पढ़ जाएगी तो उसका हस्बैंड मर जाएगा, मतलब सुपरस्टिशन था. अब ये फोटो क्या है, दिस इज अ सती पेंटेड बाय बाल्थाजार सोल्विन इन 1813. तो 1813 में उसने देखा होगा ये, तो उसने अपनी पेंटिंग बनाई है सती की प्रैक्टिस को लेके. दिस वाज वन ऑफ द मेनी पिक्चर्स ऑफ सती पेंटेड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट हु केम टू इंडिया. तो जो यूरोपियन आर्टिस्ट इंडिया में आते थे, जैसे ब्रिटिशर्स थे ना तब तो इंडिया में, तो जो ब्रिटिशर्स आते थे और उनमें से जो आर्टिस्ट होते थे वो देखते थे कि ये प्रैक्टिस कैसी है, तो वो उसके में पेंटिंग बनाते थे. द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज सीन एज एविडेंस ऑफ द बार्बरिज्म ऑफ द ईस्ट. अब ईस्ट क्यों है, क्योंकि हम लोग अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें तो हम लोग ईस्ट में, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इधर है वेस्ट में, इसलिए उनको वेस्टर्न कल्चर बोला जाता है, हम हैं ईस्ट में. तो सती प्रैक्टिस को क्या बोला जाता था, बार्बरिज्म ऑफ ईस्ट. बार्बरिज्म मतलब कि बहुत ही बुराई, बहुत बड़ी बुराई, अत्याचार, ठीक है, बार्बरिज्म ऑफ ईस्ट. तो ईस्ट का बार्बरिज्म किसको बोला जाता था, प्रैक्टिस ऑफ सती को, राइट. क्योंकि एक जिंदा ह्यूमन बीइंग को जलाना बहुत ही, मतलब कितना मुश्किल है वो ह्यूमन बीइंग के लिए, कि एक एक तो बंदा जो है मरा हुआ है, एक है जो जिंदा उसके साथ जल रहा है, दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट. और उसमें कहीं मैंने पढ़ा भी था, ये भी होता था कि वो फीमेल, अब देखो उसको दर्द तो होएगी जब वो फायर में जाएगी, तो उसकी बॉडी पे ना पत्थर बांध देते थे कि वो उठ ना पाए वहाँ से, कि कई बार दर्द से बंदा वहाँ से निकलने की कोशिश करता है ना फायर से, तो उनकी बॉडीज पे पत्थर वगैरह बांध देते थे कि वो उस पर्टिकुलर फायर में से, अग्नि में से बाहर ना पाए, उनकी बॉडी पे ऐसे वेट डाल देते थे. नाउ डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वंस इन द सोसाइटी. कह रहे हैं उस सोसाइटी, उस टाइम पे सोसाइटी में सिर्फ यही डिफरेंस नहीं था कि मेन और वुमेन में डिफरेंस था. इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलोंग द लाइन्स ऑफ द कास्ट. अब जो हम सेकेंड टॉपिक था हमारा, कि वुमेन के साथ ये सब हो रहा था, क्या क्या, कि स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, पॉलीगैमी, मतलब एक जो हस्बैंड है वो मल्टीपल वाइव्स रखता था, तो प्रॉब्लम किसको होती थी, वुमेन को, ठीक है. उसके बाद सती सिस्टम था, फिर एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी, तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स तो वुमेन फेस कर रही थी. अब वो कह रहे हैं सोसाइटी में एक और प्रॉब्लम थी जो थी लाइन्स ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट सिस्टम की. अब हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि ब्राह्मण्स एंड हमारी सोसाइटी जो है फोर कास्ट में डिवाइड थी, ब्राह्मण क्षत्रियाज वैश्यज एंड शूद्रज. अब ये ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज उनको अपर कास्ट का माना जाता था, इनफैक्ट दे कंसिडर देमसेल्व्स, वो खुद को अपर कास्ट का मानते थे, और दूसरों को जो वैश्यज कैटेगरी में आते थे, कौन कौन, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स, दे वर प्लेस्ड आफ्टर देम, वो उनसे सेकेंड कैटेगरी में आते थे. एंड देन कम पीजेंट्स आर्टिजन्स वीवर्स एंड पॉटर्स, जो शूद्रज की कैटेगरी में आते थे, सो कॉल्ड लोअर कास्ट में. सो कॉल्ड मतलब कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट उस टाइम पे काम के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क विच द पीपल डिड, उनके हिसाब से एक सोसाइटी को डिफरेंट कैटेगरीज में, कास्ट में बांटा गया था. तो जो पूजा पाठ करने वाले या जो वॉरियर्स होते थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, अपर कास्ट समझते थे, और जो ट्रेडर्स मनी लेंडर्स या जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, बिजनेस चला रहे हैं, ऐसे लोगों को वैश्यास कैटेगरी में डाला गया था, जो शूद्रास से ऊपर थे और ब्राह्मण से नीचे थे, और जो बाकी लोग थे जो सो कॉल्ड लोअर कैटेगरी का काम करते थे उनको शूद्रास बोला जाता था. एट द लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर्ड टू कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन एंड वर्कड एट जॉब्स दैट अपर कास्ट कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग. तो मतलब जो ये शूद्रास की कैटेगरी में लोग आते थे वो क्या क्या काम करते थे, साफ सफाई का काम. तो दे यूज टू लेबर्ड, मतलब जो लेबर वर्क करते थे, टू कीप द सिटीज एंड विलेजेस क्लीन and worked at the jobs that upper caste considered polluting. मतलब वो ऐसे काम करते थे जो अपर कास्ट सोचते थे कि ये polluting है, मतलब ये गंदे काम है, ठीक है, जैसे टॉयलेट वगैरह साफ करना, जबकि कर तो वो सफाई रहे हैं. दैट इज़ इट कूड लीड टू लॉस ऑफ द कास्ट स्टेटस, कि अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसका स्टेटस, जो उसकी कास्ट है, वो लूज कर जाएगा अपनी कास्ट. द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल. और ये जो काम साफ सफाई वाला लोग करते थे, ऐसे लोगों को, शूद्रास को क्या बोला जाता था, अनटचेबल्स की कैटेगरी में डाला जाता था, मतलब अनटचेबल, कि आप टच भी नहीं कर सकते. तो पहले लोग ये सोचते थे कि इनको टच करेंगे ना तो हमारे हम गंदे हो जाएंगे, और वो नहाने चले जाते थे लोग, मतलब ऐसा
सोचते थे, स्पेशली जो पंडित वगैरह होते थे. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, उनको टेम्पल्स में एंटर नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो काम कर रहे साफ सफाई का. तो बेसिक लॉजिक क्या था? लॉजिक था कि वो हमें वो जर्म्स और बैक्टीरियाज के बीच में रह रहे हैं, तो अगर हम उनको टच करेंगे, मतलब साइंटिफिक लॉजिक तो ये होना चाहिए था ना. बट वो लोगों ने इसको गलत कर दिया कि हम किसी को टच भी करेंगे तो भी वो नहाने चले जाते थे, या मेरे पास से ही अगर वो बंदा गुजर गया तो मैं अशुद्ध हो गया, कहते थे ऐसे. सो दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज बाय द अपर कास्ट, एंड बेद इन द पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बेद. दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स. तो जो लोग ये काम कर रहे होते थे उनको इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स बोलते थे. कौन? शूद्रास. शूद्रास को अनटचेबल्स बोला जाता था, और ये सब उनको अलाउड नहीं था. तो ये आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि क्या क्या अलाउड नहीं था. ओवर 19th एंड 20th सेंचुरीज मेनी ऑफ दीज नॉर्म्स एंड परसेप्शन स्लोली चेंज. बट वो कह रहे हैं 19th एंड 20th सेंचुरी में ये सारे जो कास्ट सिस्टम है और ये जो फीमेल्स के साथ ये सब हो रहा था, ये चेंज होने लगा. बट धीरे धीरे चेंज हुआ. लेट्स सी हाउ दिस हैपेंड. अब ये चेंज कैसे हुआ? वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, मतलब बदलाव की तरफ काम करना. फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन अ न्यू कैरेक्टर. मतलब वो कह रहे हैं कि हम अर्ली 19th सेंचुरी में ही ये काम शुरू हो गया था कि हम डिबेट्स और डिस्कशंस हमें मिल सकती हैं किसके बारे में? सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के बारे में, जो कि एक नया कैरेक्टर, जो कि एक नया बदलाव आ रहा था उनमें, एक नई फॉर्म चेंज हो रही थी. वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस वॉज डिवेलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. और ये सब बदलाव क्यों हो रहे थे? क्योंकि एक नया फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. सो वट वॉज अ रीज़न फॉर दिस चेंज? That there was a new form of communication emerging in the society. For the first time, पहली बारी क्या हुआ था? अब ये नया form of communication बता रहे हैं. क्या था? Books, newspapers, magazines, leaflets and pamphlets were printed. That means के print media आ गया था. तो पहली बारी printed material लोगों के पास पहुँच रहा था, जिसके कारण ये बदलाव होना शुरू हो गया. These were far cheaper and far more accessible than the manuscripts than you have read about in class 7. अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, एक तो हर किसी को अवेलेबल नहीं थी, और ये वाली चीज़ें जो थी ये बहुत ही चीप थी और इजीली अवेलेबल थी, ठीक है ना. तो हर कोई एक्सेसिबल था. जो न्यूज़पेपर छपते थे या बुक्स छपते थे, हर कोई अफोर्ड कर लेता था तो वो पढ़ सकता था. जबकि मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो हर किसी को अवेलेबल नहीं थी, राइट. मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब जो हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट, मैन्यू मीन्स हैंड. तो जो हैंड से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स थी वो सबको अवेलेबल नहीं होती थी, बट ये इजीली अवेलेबल होने लग गया, नंबर वन. एंड नंबर टू, इट वाज फार मोर चीपर. इजीली अवेलेबल मीन्स एक्सेसिबल. तो ये इसके एडवांटेजेस हैं. देन देयर फॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस. इसलिए जो नॉर्मल आम जनता, मैंगो पीपल थे, वो भी इनको रीड कर सकते थे. एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन देयर ओन लैंग्वेजेस. अब ये जो थे बुक्स वगैरह प्रिंट हो रही थी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में थी, तो लोग उनको पढ़ भी सकते थे और अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते थे अपनी लैंग्वेज में. ऑल काइंड ऑफ इशूज, सोशल, पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक, रिलीजियस, कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाई मैन एंड समटाइम्स बाई वेमेन ऑल्सो. तो सारे इश्यूज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या रिलीजियस इश्यूज पे डिस्कशंस और डिबेट्स हो सकती थी. अब उस टाइम पे ज़्यादा मेन ही करते थे, विमेन को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, बट कभी कभी मिलती थी. इन द न्यू सिटीज़, तो जो नई सिटीज़ इमर्ज हो रही थी वहाँ पे ये सब बदलाव आ रहा था. द डिस्कशंस कुड रीच आउट टू अ वाइडर पब्लिक एंड कुड बिकम लिंक्ड टू मूवमेंट्स फॉर अ सोशल चेंज. अब ये जो डिस्कशंस थी ये प्रिंट हो जाती थी, ठीक है, इसमें न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, और फिर वाइडर पब्लिक तक पहुंच जाती थी, जनरल पब्लिक तक पहुंच जाती थी. एंड इसी से ही फिर लिंक होना शुरू हो गया मूवमेंट फॉर द सोशल चेंज, कि सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए मूवमेंट्स इसी से ही लिंक कर सकते हैं हम, कि ऐसे ही डिबेट्स और डिस्कशंस के कारण ही मूवमेंट्स पैदा हुई. क्या करने के लिए? सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, कि जो ये कुरीतियाँ चल रही हैं, जो फीमेल्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम है या जो कास्ट सिस्टम चल रहा है उसमें बदलाव लाने के लिए किसने हेल्प किया? इस नए कम्युनिकेशन सिस्टम ने. और वो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या था? प्रिंट मीडिया था, जो कि क्या था? चीप था और इजीली अवेलेबल था, इजीली एक्सेसिबल था. नाउ दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स. अब ये जो डिबेट्स और डिस्कशंस थी जो बेसिस बनी एक सोसाइटी में चेंज लाने का, ये शुरुआत कौन करता था? ये रिफॉर्मर्स. और कौन थे वो रिफॉर्मर्स? हमारे इंडिया के ही बंदे. एंड रिफॉर्म ग्रुप्स या फिर ग्रुप्स थे जो सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते थे और जो ये सब बुराइयां चल रही थी उनको ख़त्म करना चाहते थे. वन सच, नाउ द फर्स्ट रिफॉर्मर वॉज राजा राम मोहन रॉय.
जो 1772 से 1833 तक रहे। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन है ये याद करना है हमें। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन, इन्होंने अपनी क्या एसोसिएशन बनाई, ब्रह्मो समाज, जिसका बाद में नाम रख दिया गया ब्रह्मो सभा बनाई थी पहले, जिसका बाद में नाम रख दिया गया ब्रह्मो समाज इन कैलकटा। तो कैलकटा में इन्होंने ये एसोसिएशन बनाई थी बदलाव लाने के लिए, ठीक है। फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन, रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव लेके आना। पीपल सच एज राजा राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन द सोसाइटी। अब ऐसे लोग बहुत ही ज़रूरी थे उस टाइम पे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में चेंज लाना बहुत ही ज़रूरी था। एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद मीन्स हैड टू बी फिनिश्ड, हैड टू बी इराडिकेटेड। तो जो अनजस्ट मतलब जो अनजस्टिफाइड प्रैक्टिसेस थी, जो खराब प्रैक्टिसेस थी, उनको इराडिकेट करना बहुत ज़रूरी था, और उसमें रिफॉर्मर्स ज़रूरी थे। और वो रिफॉर्मर्स में पहले रिफॉर्मर कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। और उन्होंने इस्टेब्लिश की थी कैलकटा में एक एसोसिएशन, रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसका नाम ब्रह्मो सभा था, बाद में उसका नाम पड़ गया ब्रह्मो समाज। अब ये एक एक फैक्ट याद होना चाहिए हमको। दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू इंश्योर सच चेंजेस वॉज बाय परसुएडिंग पीपल टू एंड अप ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब ये जो रिफॉर्मर्स थे, ये सोचते थे कि बदलाव लाने के लिए क्या ज़रूरी है, कि लोगों को परसुएड किया जाए कि पुरानी प्रैक्टिसेस, लोगों को कन्विंस किया जाए कि पुरानी प्रैक्टिसेस को छोड़ दो और नई प्रैक्टिसेस को अपना लो, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये सब हमने ना थोड़ा मॉरल साइंस में भी अपनी क्लास 6-7 में भी पढ़ा हुआ है, राजा राम मोहन रॉय और रिफॉर्मर्स के बारे में, जो हम आगे पढ़ेंगे। राजा राम मोहन रॉय वॉज कीन टू स्प्रेड एजुकेशन ऑफ वेस्टर्न नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। अब राजा राम मोहन रॉय ने कैसे बदलाव लाया, कि इनका मेन एम क्या था, कि वेस्टर्न मतलब इनको बहुत कीन थे, ही वॉज बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी उनकी कि नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन को कंट्री में स्प्रेड किया जाए एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन। अब देखो, आप कहोगे कि टैगोर जी और महात्मा गांधी तो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे, अब ये राजा राम मोहन जी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि हम जो वेस्टर्न एजुकेशन है ना, उसमें मैन एंड वुमेन को इक्वल स्टेटस दिया जाता है, जो कि एक अच्छी बात थी। तो इसीलिए इक्वालिटी फॉर वुमेन है ना, कि वुमेन को फ्रीडम दिया जाता है और इक्वालिटी दी जाती है विद मेल्स, इसीलिए उनको वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगा, और इसीलिए वो स्प्रेड करना चाहते थे उस एजुकेशन की नॉलेज इंडिया में। ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स टू बेयर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, कन्फाइंड टू द होम एंड किचन एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड। अब इन्होंने बहुत सारे क्या लेख लिखे, कि जिसमें इन्होंने कहा कि हमारी वुमेन, जो इंडियन वुमेन है, उनको तो बस घरों के कामों के लिए और किचन के कामों के लिए ही रख दिया जाता है, और उनको मतलब एजुकेशन के लिए और बाहर जाने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता या अलाउ ही नहीं किया जाता, ठीक है जी। फिर चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज़, अब लाइव्स ऑफ विडोज़ को कैसे चेंज किया गया उस टाइम पे। अब अभी तक तो क्या चल रहा था, जो विडोज़ थी वो सती हो जाती थी, अब क्या चेंज किया, राजा राम मोहन रॉय। अब मोहन की स्पेलिंग में ना याद रखना है HUN है, HAN नहीं लिख देना। राजा राम मोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मूव बाय द प्रॉब्लम्स विडोज़ फेस्ड इन देयर लाइव्स, ही बिगैन अ कंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। पहला क्या था, कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, कि उसकी नॉलेज स्प्रेड होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वुमेन को इक्वालिटी और फ्रीडम दिया जाता है, जबकि उस टाइम पे वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था घर से बाहर जाना। तो वो कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन की नॉलेज बढ़ाओ, जहाँ पे वुमेन को इक्वालिटी और फ्रीडम मिलती है, और ताकि जागरूक होए वुमेन। सेकेंड, उन्होंने किस पे काम किया, विडोज का, सती के अगेंस्ट, टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती। सो ही वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज हो, हमने पहले भी पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, लिंग्विस्ट। सो ही वॉज अ लिंग्विस्ट, मीन्स ही हैड अ नॉलेज ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस। तो उनको संस्कृत आती थी, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस आती थी। एंड ही ट्राइड टू शो थ्रू हिज राइटिंग्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन इन द एंशियन टेक्स्ट। अब जब उन्होंने देखा कि लोग तो ये सती प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, तो अपने अब वो इसको एंड करना चाहते थे, इस सती प्रैक्टिस को, ठीक है। तो उन्होंने किसका सहारा लिया, उन्होंने कहा लोगों ने ऐसे मेरी बात तो माननी नहीं है। अब क्योंकि वो पढ़े लिखे बंदे थे, संस्कृत और ये सब टेक्स्ट पढ़ते थे, तो उन्होंने टेक्स्ट में से ही सबूत देने शुरू कर दिए। देखो, जब कोई बंदा एक सबूत देता है
एविडेंस देता है कि ये देखो इस टेक्स्ट में ऐसा लिखा है, कहीं नहीं लिखा कि जो विडो है उसको बर्न हो जाना चाहिए साथ में, मतलब सती हो जाना चाहिए, तो तभी लोग मानेंगे ना कि हाँ भी बंदे की बात में दम है, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा, या किसी बुक में संस्कृत में। अब उस टाइम पे संस्कृत सबसे वो मानी जाती थी, संस्कृत में जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स लिखे हुए थे उसको ही सबसे उत्तम माना जाता था। तो उन्होंने क्या करा कि मेरी बात तो मानी नहीं किसी ने, उन्होंने कहा ये एंशियंट टेक्स्ट का मैं सबूत देता हूँ, इसको एविडेंस देता हूँ तो लोग मानेंगे। तो उन्होंने थ्रू हिज राइटिंग्स अपनी राइटिंग्स को शो करना, अपनी राइटिंग्स करनी शुरू करी, दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग, कि जो ये विडो की बर्निंग जो सती की प्रैक्टिस है उसको कहीं पे भी सैंक्शन, कहीं पे भी अप्रूव नहीं किया गया एंशियंट टेक्स्ट में, मतलब पुराने टेक्स्ट में कहीं पे नहीं लिखा गया कि ऐसा होना चाहिए। और वो उसका एग्जांपल देते थे साथ में ताकि लोग उनकी बात माने, ऐसे तो कोई नहीं मानता। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी एज यू रेड इन चैप्टर 7 मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑल्सो बिगेन टू क्रिटिसाइज़ द इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। और जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स भी हमारे जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए थे। दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राजा टू राम मोहन हु वॉज रिप्यूटेड टू बी लर्नड मैन। अब वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे राजा राम मोहन की बात को सुनते थे, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय एक नॉलेजेबल मैन थे, लर्नड मैन थे, पढ़े लिखे आदमी थे। In 1829, now this is very very important. So in 1829, Sati was banned. तो सती को ban कर दिया गया। The strategy adopted by Raja Ram Mohan Roy was used by later reformers as well. अब यही वाली strategy कि अपनी बात को आपने अगर प्रूव करना है तो ancient text, पुराने text को सबूत दे दो, मतलब evidence दे दो तो लोग आपकी बात को मान लेंगे। यही जो strategy थी वो दूसरे reformers, later reformers, मतलब दूसरे reformers ने भी adopt करी। Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or a sentence in the ancient sacred text. तो जब भी उन्होंने किसी प्रैक्टिस को चैलेंज करना था या उसने बताना था कि ये प्रैक्टिस जो है हार्मफुल है, ये गलत है, तो वो पुराने टेक्स्ट में से कुछ सपोर्टिंग दे देते थे। जैसे अब कोर्ट में भी केस चलते हैं तो हम उसका सपोर्टिंग देते हैं, एविडेंस देते हैं कि ये देखो जी इस लॉ में ये लिखा है तो ये नहीं हो सकता या ऐसा हो सकता है। तो वो लोग भी क्या करते थे, पुराने एंशियंट टेक्स्ट में से प्रूफ दे देते थे कि ये देखो इसमें ऐसे लिखा है तो ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दे ट्राइड टू फाइंड अ वर्स, कोई ना कोई ऐसी लाइन्स या सेंटेंसेस, कोई स्टेटमेंट्स फाइंड करते थे पुराने टेक्स्ट में विच सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करता था। देन दे सजेस्टेड दैट द प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्टेड एट द प्रेजेंट वॉज अगेंस्ट द अर्लियर ट्रेडिशन। तो वो फिर बताते थे कि हमारा टेक्स्ट तो ये कह रहा था बट हमने इस प्रैक्टिस को गलत तरह से अडॉप्ट किया हुआ है। तो बेसिकली वो यही बताते थे कि पुराने टेक्स्ट में जो प्रैक्टिस है वो ऐसी नहीं थी बट हम इसको गलत तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो वो उसका प्रूफ या उसका सेंटेंस, उससे रिलेटेड कोई वर्ड्स ढूंढते थे ताकि लोग उनकी बात को मान सके और उनकी बात जस्टिफाई करने के लिए वो पुराने टेक्स्ट में से सेंटेंसेस उठाते थे। हाँ जी, अब यहाँ पे आ गया, देखो फिगर 3 में क्या है, हुक स्विंगिंग फेस्टिवल। अब इसमें क्या होता था ये देखो, तो यहाँ पे क्या है, इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल, एक फेस्टिवल मनाया जाता था इंडिया में, डिवोटीज अंडरवेंट अ पेक्यूलियर फॉर्म ऑफ सफरिंग एज अ पार्ट ऑफ अ रिचुअल वर्शिप। तो एक फेस्टिवल में रिचुअल, कोई वर्शिप करने का एक रिचुअल होता था, कोई एक कस्टम होता था जिसमें क्या करते थे वो जो डिवोटीज थे, जो वर्शिपर्स थे, मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक पर्टिकुलर चीज़ को जो मानते थे, वो क्या करते थे, दे अंडरवेंट अ सफरिंग, पिक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज फॉर्म ऑफ सफरिंग, क्या होता था, विद हुक्स पियर्स थ्रू देयर स्किन। अब ये उनकी स्किन के थ्रू हुक्स जाते थे। दे स्वंग देमसेल्स ऑन अ व्हील, और अपने आप को व्हील पे स्विंग करते थे। इन द अर्ली 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ऑफिशियल्स बिगैन क्रिटिसाइजिंग इंडियन कस्टम्स एंड रिचुअल्स एज बारबेरिक, बारबेरिक मतलब अत्याचारी, दिस वॉज वन ऑफ द रिचुअल दैट केम अंडर अटैक। और ये रिचुअल फिर एक इसको अटैक किया गया और इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो ये मतलब उसकी स्किन में से हुक को पियर्स करके, जनरली लोग ऐसा मानते थे कि हम ऐसा अपने आप को कष्ट पहुँचाएंगे तो हमारे भगवान खुश हो जाएंगे। कई होते हैं ना ऐसा मानते हैं कि अपने आप को फिजिकल दुख पहुँचाओ तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो ये ऐसे कल्चर, ऐसे कुछ रिचुअल्स चलते थे हमारे यहाँ पे। तो फिर ब्रिटिशर्स ने भी इनका विरोध करना शुरू किया। देन
वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल. अब राजा राम मोहन रॉय पब्लिश मैनी पैम्फलेट्स टू स्प्रेड हिज आइडियाज़. तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, पब्लिश करना शुरू करा, क्योंकि पढ़े लिखे थे तो ये अपना लिखते थे और पब्लिश करते थे. पैम्फलेट्स, पैम्फलेट्स क्या होते हैं, जो ब्रोशर्स वगैरह होते हैं, जैसे अखबारों में से पेपर निकलते हैं ना. सम ऑफ दीज वर रिटन एज डायलॉग बिटवीन द एडवोकेट एंड क्रिटिक ऑफ द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. अब कुछ आइडियाज़ ऐसे लिखते थे कि एक बंदा कह रहा है कि वो होना चाहिए प्रैक्टिस, और दूसरा बंदा उसको क्रिटिक है, क्रिटिक मीन्स उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसके बीच में एज अ कॉन्वर्सेशन लिखते थे ताकि लोगों के पल्ले पड़ जाए. हेयर इज वन सच डायलॉग ऑन सती, एडवोकेट ऑफ सती. एडवोकेट ऑफ सती मतलब जो सती को सपोर्ट कर रहा है. विमेन आर बाय नेचर ऑफ इन्फीरियर अंडरस्टैंडिंग, विदाउट रेजोल्यूशन, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट. मैनी ऑफ देम ऑन द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड्स बिकम डिजायरस ऑफ अकंपनी देम, बट टू रिमूव एवरी चांस ऑफ देयर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर इन बर्निंग देम, वी मस्ट टाई देम डाउन टू द पाइल. तो क्या कह रहे हैं कि जो एडवोकेट, जो सती को सपोर्ट करते थे, वो कहते थे कि विमेन जो है वो बाय नेचर ही इन्फीरियर, उनकी वो अंडरस्टैंडिंग में, मतलब उनका माइंड जो है छोटी बुद्धि की होती हैं, वो भी इन्फीरियर होती हैं अंडरस्टैंडिंग में. विदाउट रेजोल्यूशन भी वो रिजॉल्व नहीं कर सकती चीज़ों को. अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. एंड मैनी ऑफ देम ऑन द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड, कई तो विमेन अपने हस्बैंड की डेथ पर खुद ही डिज़ायरस हो जाती है, खुद ही इच्छा रखती हैं कि हम अपने हस्बैंड को एकम्पनी करें. बट टू रिमूव एवरी चांस ऑफ देयर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर, कि कोई भी ऐसा चांस ना रहे कि वो ब्लेजिंग फायर से खुद को एस्केप कर सकें. इन बर्निंग देम वी मस्ट टाई देम डाउन टू द पाइल, कि उनको बांध देना चाहिए उस पाइल से. इसीलिए इसका हेडिंग है वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल. अब ओपोनेंट ऑफ सती, जो सती के अगेंस्ट है, वो क्या बोलता है, वेन डिड यू एवर अफोर्ड देम अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिबिटिंग देयर नेचुरल कैपेसिटी. अब जो ओपोनेंट है, जो इसके अगेंस्ट बोल रहा है, एक तरह से डिबेट हो रही है ना, वो दिखा रहा है एक बंदा जो सपोर्ट कर रहा है और एक उसके अगेंस्ट बोल रहा है. तो वो कह रहा है कि भैया ठीक है, बट ये बताओ कि तुमने उनको अपॉर्चुनिटी कब दी है कि वो अपनी नेचुरल कैपेसिटी, अपनी इंटेलिजेंस को शो कर पाएँ. हाउ देन कैन यू एक्यूज देम ऑफ द वॉन्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और तुम कैसे बोल सकते हो कि वो इन्फीरियर अंडरस्टैंडिंग की है, जब तुमने उनको कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी अपनी नॉलेज या अपनी अंडरस्टैंडिंग शो करने में. इफ़ आफ्टर इंस्ट्रक्शंस इन नॉलेज एंड विजडम अ पर्सन कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड और रिटेन वट हैज़ बीन टॉट हिम, वी मे कंसिडर हिम एज डेफिशेंट. कह रहा है कि जब हम उनको नॉलेज ही नहीं दे रहे, हम उनको विजडम ही नहीं दे रहे, या तो हो कि हम एक बंदे को नॉलेज दे रहे हैं और विजडम दे रहे हैं, और फिर भी अगर बंदा कॉम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा चीज़ों को, या रिटेन नहीं कर पा रहा जो उसको पढ़ाया जा रहा है, तब तो हम उसको डेफिशिएंट कंसिडर कर सकते हैं. बट इफ़ यू डू नॉट एजुकेट वुमेन, हाउ कैन यू सी देम एज इन्फीरियर. भाई अभी आप कैसे इन्फीरियर बोल सकते हो जब हम उनको एजुकेट ही नहीं कर रहे. तो जो राजा राममोहन रॉय है, ऐसे अपने पैम्फलेट्स को छपाते थे कि उसके फॉर और अगेंस्ट में पॉइंट्स देखे. नाउ अब इससे नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो यहाँ पे कहाँ खत्म किया था, दे देन सजेस्टेड दैट प्रैक्टिस वॉज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशंस, कि जो पुराने या स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ था वो कुछ और था और ट्रेडिशन कुछ और ही फॉलो कर रहा है. तो ऐसे जो लेटर रिफॉर्मर्स थे वो कुछ ना कुछ बुक्स में से टेक्स्ट को एज एन एग्जाम्पल दे देते थे जस्टिफाई करने के लिए. अच्छा ये वाली एक बारी पढ़ लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. अब ये वाला क्या है, दिस आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है ना, डिबेट चल रही है, वॉज टेकिंग प्लेस मोर देन 175 ईयर्स अगो. तो ये कब था, कब का आर्ग्यूमेंट है, 175 ईयर्स अगो. ठीक है जी. नाउ फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स, अब नेक्स्ट रिफॉर्मर का नाम आ गया. फर्स्ट थे राजा राममोहन रॉय, जिसमें जिन्होंने क्या किया था कि एक तो वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करो, दूसरा सती को, सती के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई थी, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ सती के अगेंस्ट. और फिर 1829 में सती को बैन कर दिया गया था. अब अगले रिफॉर्मर कौन है हमारे फेमस रिफॉर्मर, ही इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर. हमने इसके बारे में भी अपनी मॉरल साइंस में पहले पढ़ा हुआ है. ही यूज द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी. अब इन्होंने भी एंशियंट टेक्स्ट की मदद ली, पुराने टेक्स्ट जो संस्कृत वगैरह में लिखे हुए थे, और उनको जस्टिफिकेशन देते हुए बोला कि विडोज़ जो है रीमैरी कर सकती है. तो इसका मतलब जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने किस में काम किया, कौन से टॉपिक पे, विडो रीमैरिज पे, ठीक है. नाउ हिज सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स. अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी इसके सजेशंस को अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, एंड अ लॉ वाज पास्ड इन 1856
1856 में लॉ पास कर दिया गया परमिटिंग विडो रीमैरिज, कि जो विडोज हैं वो रीमैरी करना चाहती हैं वो रीमैरी कर सकती हैं। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज अपोज्ड विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉटेड हिम। अब जो हमारे ऑर्थोडॉक्स लोग थे जो विडोज़ को रीमैरी करने में क्या समझते थे कि वो गलत बात है, वो एक समाज में और बुराइयों को प्रमोट करेगा, उन्होंने क्या किया, विद्यासागर को अपोज किया और बॉयकॉट कर दिया। बाय सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मतलब जो 1900 पे ख़त्म होनी है ना, तो 1801 से, अब देखो 1856 में ये क्या हुआ था, 1829 में सती ख़त्म हुई, 1856 में विडो रीमैरिज अलाउ हो गई। अब 1856 में उन्होंने अलाउ किया, 1857 में हमारा रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप थोड़ा सा लिंक करके जो हमने पहले चैप्टर्स पढ़े हुए। नाउ सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब पूरी कंट्री में ये मूवमेंट स्प्रेड होनी शुरू हो गई। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेजिडेंसी वीरा सालिंगम पेंटुलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज। तो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो थे मद्रास में, मद्रास क्या है आज की डेट में चेन्नई, उसमें वीरा सालिंगम पेंटुलू इन्होंने क्या किया, एक एसोसिएशन फॉर्म करी, किसके लिए, विडो रीमैरिज के लिए। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेज देमसेल्व्स टू वर्क फॉर द सेम कॉज। और इसी टाइम पे बॉम्बे में भी जो यंग इंटेलेक्चुअल्स थे, मतलब यंग इंटेलिजेंट लोग थे और रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने बॉम्बे में काम इसी इशू पे, विडो रीमैरिज के इशू पे काम करना शुरू कर दिया। इन द नॉर्थ, हमारे नॉर्थ में कौन था, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये एक और रिफॉर्मर आ गए नंबर 3। हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्या समाज, और इन्होंने कौन सी एसोसिएशन बनाई थी, रिफॉर्म एसोसिएशन आर्या समाज, तो ये एक एक का नाम याद करना है। राजा राम मोहन ने कौन सी बनाई थी, उन्होंने बनाई थी ब्रह्मो सभा, जिसका बाद में नाम आ गया था ब्रह्मो समाज, हमने पढ़ा ना पहले ये वाला, ठीक है। और अब किसने बनाई है, दयानंद सरस्वती जी ने, कहाँ पे, नॉर्थ में रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई आर्या समाज, जो सपोर्ट करती थी विडो रीमैरिज को। येट नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन लो, दोज हु मैरिड वर नॉट इजिली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, बट फिर भी बहुत सारी विडोज जो हैं वो मैरी नहीं करती थी, मतलब उनका नंबर कम ही रहा, क्यों, क्योंकि एक तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता सोसाइटी में, दूसरा जो कंजर्वेटिव ग्रुप था, मतलब जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, पुरानी सोच वाले लोग, दे कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ। और वो जो नया लॉ था जिसमें विडो, ये वाला 1856 में जो लॉ पास किया गया था कि विडो रीमैरी कर सकती हैं, उस लॉ को अपोज ही करते रहे, ठीक है। और वो विडो रीमैरिज को, जो विडोज रीमैरी कर लेती थी उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था। नाउ स्वामी दयानंद सरस्वती दयानंद फाउंडेड आर्या समाज कब, 1875 में, तो 56 में ये विडो रीमैरिज का लॉ पास हुआ और 75 में इन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, विच अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म, जिसमें हिंदुइज्म को रिफॉर्म मींस चेंजेस करना चाहते थे, वो उस एसोसिएशन का काम था हिंदुइज्म में जो गलत चीज़ें हैं उनको रिफॉर्म करना। नाउ गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, अब यहाँ से क्या शुरू हो रहा है कि स्कूलिंग, जो एजुकेशन नहीं दी जाती थी, अब उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो पहले पेज पे, जो चैप्टर का पहला पेज था, उन्होंने सारी फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स थी वो बताई थी। अब एक एक करके वो कह रहे हैं कि किस कैसे कैसे रिफॉर्म हुआ। तो राजा राम मोहन जी आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी आए, फिर नंबर 3 पे दयानंद सरस्वती जी आए। तो ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक को लेकर रिफॉर्मेशन करी गई, चेंजेस करे गए सोसाइटी में। नाउ ये है किसकी फ़ोटो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। Girls begin going to school, कि लड़कियों का स्कूल जाना शुरू कराया गया। Many of the reformers felt that education for the girls was necessary in order to improve the condition of women. बहुत सारे reformers का ये सोचना था कि अभी तो हम हैं, ठीक है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बट हमारे बाद फिर से women की वही हालत होगी, तो उसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि इनको educate कर दो। अब अगर एजुकेट होती रहेंगी, इनकी नॉलेज, इनकी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बाहर जाके काम करेंगी तो अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, तो फिर ये कभी भी दबाई नहीं जा सकती। तो इसीलिए उन्होंने किस पे जोर किया, इन्होंने जोर दिया कि विमेन की कंडीशन को अगर इम्प्रूव करना है तो एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो विद्यासागर इन कैलकटा एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेटअप द स्कूल फॉर द गर्ल्स, और इन्होंने क्या किया, गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप करने शुरू कर दिए। When the first schools were opened in the mid 19th century, many people were afraid of them. तो जब शुरू में स्कूल खुले तो लोगों को डर लगता था। They learned that schools would take girls away from home and prevent them
फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, तो कि स्कूल्स जो हैं वो लड़कियों को घरों से दूर कर देंगे और जो लड़कियों की डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं उससे वो दूर हो जाएंगी, मतलब वो घर के काम फिर कौन करेगा। तो बेसिकली घर के काम करना सो कॉल्ड मैन मानते थे कि जी सिर्फ फीमेल्स का काम है, क्यों मेल्स नहीं कर सकते क्या, या मिलके नहीं कर सकते दोनों। मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। तो ये सारे ना ऑब्जेक्शन के पॉइंट्स हैं जो वो लोग देते थे कि गर्ल्स को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। पहला बहाना कि भाई उनको घर से दूर हो जाएंगी वो, घर के काम काज कौन संभाल लेगा। दूसरा कि गर्ल्स को ना पब्लिक प्लेसेस पे ट्रैवल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच द स्कूल विच इज़ नॉट सेफ। मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम। और गर्ल्स जब ट्रैवल करके जाएंगी तो रास्ते में लोग छेड़छाड़ करेंगे या गलत बिहेव करेंगे, तो इससे उनके ऊपर अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस, कि गर्ल्स को पब्लिक स्पेसेस, ऐसी स्पेसेस जहाँ पे बहुत सारी जनता हो या आम लोग हो, वहाँ से दूर रहना चाहिए। Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home. अब ऐसी सोच वाले लोग क्या करते थे, ठीक है वो कहते थे एजुकेशन ही देनी है ना, तो हम घर से बाहर नहीं जाने देंगे, हम घर में ही एजुकेशन दे देंगे। तो उनको घर पे ही एजुकेशन देते थे by liberal fathers and husbands। और कौन एजुकेशन देते थे, उनके fathers और husbands ही उनको एजुकेशन देते थे। Sometimes women taught themselves, और कई बारी क्या होता था, women खुद ही अपने आप को पढ़ाती थी। अब इसमें एक example आ रहा है राश सुंदरी देवी का। ये हमने अपनी सिविक्स की बुक में पढ़ा था क्लास 7 में, कि कैसे राश सुंदरी देवी जो है वो पढ़ना चाहती थी, बट इनकी छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी, और फिर इनका बच्चा पढ़ता था और वो अपने बच्चे की बुक में से पेजेस को चुरा चुरा के उससे पढ़ती थी, और वैसे इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। शी वॉज़ वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्नड टू रीड एंड राइट। इनकी फैमिली इनको अलाउ नहीं करती थी। इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट, और वो रात की कैंडल लाइट में अपने बेटे की बुक में से पेजेस चुरा चुरा के पढ़ा करती थी। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, मतलब इसी सेंचुरी में, दूसरे पार्ट में, मतलब नेक्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी में, स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर इस्टेब्लिश बाय आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र। तो आर्य समाज के कौन थे हमारे, जो दयानंद सरस्वती जी थे, है ना, यही थे ना दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज बनाया था। तो इन्होंने पंजाब में स्कूल खोले, और मुंबई महाराष्ट्र में किन्होंने स्कूल खोले, ज्योतिराव फूले ने। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउसहोल्ड्स इन नॉर्थ इंडिया वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरबिक। तो वुमेन को अरबिक लैंग्वेज सिखाई गई जिसमें वो फिर कुरान पढ़ती थी। देवर टॉट बाई वुमेन हु केम होम टू टीच देम, और उनको फिर फीमेल्स ही पढ़ाने आती थी। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली reinterpreted verses from the Quran to argue for women's education। और कई reformers ने क्या किया, Quran के ही verses को translate करके पेश करना शुरू कर दिया, ताकि women को educate करने के लिए argument दे सके कि क्यों women education ज़रूरी है। The first Urdu novel began to be written from late 19th century। और पहली उर्दू novel कब लिखी गई, 19th century में, late 19th century में। Among other things there were men, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand। भी दूसरी चीज़ों को छोड़ के क्या कह रहे हैं कि these were meant to encourage women। तो women को क्या encourage करा जाता था, कि आप religion और domestic management दोनों को सीखो in the language, उस language में जो आप understand कर सकते हो, right? फिर women write about women। तो अब तक क्या हो रहा था, अब तक सारे males हैं वो लड़ रहे थे, ठीक है, वो रिफॉर्मर्स थे, वो विमेन के लिए लड़ रहे थे। अब आएगा नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे विमेन ही विमेन के लिए लड़ रही थी। तो जब एक जनरेशन पढ़ जाती थी तो वो अगली विमेन के लिए और रास्ता बना रही थी, या जो एक को जिसको नॉलेज मिल रही थी वो अपनी नॉलेज दूसरी विमेन के साथ शेयर करती थी, ताकि उनको, दूसरी विमेन को भी वो चार घर की चार दीवारी से निकाल सके और उनको भी एजुकेट और इन्फॉर्म्ड बना सके। तो फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी मुस्लिम वुमेन लाइक बेगम्स ऑफ भोपाल प्लेड अ नोटेबल रोल, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन। तो जो मुस्लिम बेगम्स थी, मुस्लिम वुमेन थी, उन्होंने भोपाल में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया एजुकेशन को प्रमोट करने में। दे फाउंडेड प्राइमरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़ में उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स इस्टेब्लिश करे। अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रोकिया शकावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकटा। तो ये इसके बारे में भी, इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है सिविक्स की बुक में, कि बेगम रोकिया शकावत थी, शकावत सखावत
हॉस सेन इन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल शुरू करा था पटना और कैलकटा में। शी वॉज अ फियरलेस क्रिटिक ऑफ फियरलेस मतलब बिना डरे क्रिटिसाइज करती थी किसको, कंजर्वेटिव आइडियाज़ को, पुरानी सोच को, आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इन्फीरियर प्लेस टू वुमेन। और ये पूरा आर्ग्यू करती थी कि जो सारे फेथ हैं, जितने भी फेथ्स के रिलीजियस लीडर्स हैं, वो वुमेन को क्या समझते हैं, इन्फीरियर समझते हैं, अपने से छोटा समझते हैं, भी मेल्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और फीमेल्स को वो इन्फीरियर समझते हैं। बाई 1880s इंडियन वुमेन बिगैन टू एंटर यूनिवर्सिटीज, सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स, सम बिकेम टीचर्स एंड मैनी वुमेन बिगैन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। अब जैसे जैसे लेडीज़ की एजुकेशन प्रमोट हुई तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच गई, डॉक्टर्स टीचर्स बनने लगी एंड कई वुमेन्स लिखने लगी रिगार्डिंग के वुमेन का कितना क्रिटिकल रिगार्डिंग द क्रिटिकल व्यूज़ कि वुमेन की पोजिशन क्या है सोसाइटी में, उसके बारे में लिखने लगी। ताराबाई शिंदे वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना अ कंपेरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो स्त्री मीन्स वुमेन, पुरुष मीन्स मैन और उसकी तुलना, उनमें कंपेरिजन। किसने लिखी थी बुक, ताराबाई शिंदे ने, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। और इस बुक में उन्होंने दिखाया था कि क्या सोसाइटी डिफरेंसेस करती है मैन और वुमेन में। देन पंडिता रामाबाई अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत फेल्ट दैट हिंदुइज्म वॉज ऑप्रेसिव टूवर्ड्स वुमेन। अब जो पंडिता रामाबाई थी उनको लगा कि जो हमारा हिंदुइज्म है वो वुमेन को ऑप्रेसिव टूवर्ड्स वुमेन है, मतलब वुमेन को इतना ऊंचा उठने नहीं देते। एंड शी रोट अ बुक अबाउट मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। और इन्होंने किस पे बुक लिखी कि जो मिजरेबल लाइफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन लीड कर रही हैं। अब अपर कास्ट क्यों स्पेशल लिखा गया, देखो लोअर कास्ट के लोग तो होते हैं जो लोग खुद ही, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि उनके पास इतना धन पैसा नहीं होता तो वो लोग खुद मेल और फीमेल मिलके पैसा कमाते हैं। तो ऐसी फीमेल जो पैसा कमाने लग जाती है वो क्या होती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड वो उसकी फिर से इंक्रीज हो जाती है, मतलब वेन शी बिकम्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो ऐसी वुमेन पूरा इक्वल पार्टिसिपेशन करती है मेल्स के साथ। बट जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन थी उनके वहाँ क्या हो रहा था, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, उनको ज़्यादातर एज अ होम मेकर ही रखा जाता है, तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, उनके मेल्स ही डोमिनेट करते हैं, है ना। इसलिए उसने बुक लिखी थी रामाबाई, पंडिता रामाबाई ने, कि जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन है, ठीक है उनके पास पैसे वैसे हैं, उन लेडीज़ को पैसे मिल रहे हैं, बट फिर भी उनकी मिजरेबल लाइफ थी, उसके बारे में उन्होंने बुक लिखी थी। शी फाउंडेड अ विडोज़ होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज़ हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव्स। और उन्होंने ये बुक लिखी, प्लस उन्होंने क्या लिखा, विडोज़ के लिए शेल्टर होम बनाया, तो जो विडोज़ को बुरी तरह ट्रीट करते थे हस्बैंड्स के रिलेटिव्स, क्योंकि उस टाइम पे माना जाता था कि इसी के कारण जो है जो उसके हस्बैंड की डेथ होगी। एक्चुअली में तो क्या होता था, सती क्यों ज़्यादा होती थी या विडोज़ क्यों ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस टाइम पे एज गैप बहुत होता था, तो अगर बंदा होता था 30 ईयर्स का तो जो लड़की होती थी वो होती थी 12-15-18 सालों की, तो ऑब्वियसली जो एज गैप है उसके ज़्यादा होने के कारण जो बंदा है वो पहले ही मरेगा, तो अब जैसे जैसे वो बुढ़ा होएगा, ठीक है, तो जैसे उसके कारण सती के केसेस भी ज़्यादा होते थे, तो उसको ख़त्म करने के लिए, मतलब ख़त्म तो चलो सती हो गई थी, बट उसके बाद इस वुमेन ने, इसने क्या किया पंडिता रामाबाई ने, कि इन्होंने विडोज़ का होम बनाया, शेल्टर होम बनाया, जो कि विडोज़ को इल ट्रीट करते थे हस्बैंड्स के रिलेटिव्स, उनके लिए। हेयर वुमेन वर ट्रेंड, और यहाँ पे वुमेन को क्या दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स। और ये सब करना, बुक लिख देना, तुलना कर देना, और विडोज़ के लिए घर बना देना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सब जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे ये सब देख के अलार्म हो गए। फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज। और जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, पुरानी सोचों वाले लोग थे, वो क्या कहने लग गए कि लो जी हमारी वुमेन जो है वो वेस्टर्न वेज, मतलब जो फॉरेन के वेज हैं, फॉरेन के तौर तरीके हैं, वो अपनाने लग गई हैं, एंड दिस वुड करप्ट द हिंदू कल्चर, और ये हमारे हिंदू कल्चर को करप्ट कर देगा, ख़राब कर देगा, एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़, और इससे हमारी फैमिली वैल्यूज़ जो है ख़त्म हो जाएंगी। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर ऑल्सो वरिड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। और जो पुराने ख्याल वाले मुस्लिम्स थे वो भी
इन चेंजेस से क्या हो गए, दुखी हो गए कि ये तो खराब हो जाएगा भाई सिस्टम, वुमेन इंडिपेंडेंट बन जाएंगी तो फैमिली वैल्यूज ही नहीं रहेंगी. एज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वुमेन देमसेल्व्स वर एक्टिव एक्टिवली वर्किंग फॉर द रिफॉर्म. तो पहले तो मेल्स थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर जो आर्य समाज वाले थे दयानंद सरस्वती जैसे. धीरे धीरे क्या हुआ, विमेन खुद के लिए ही एक्टिवली रिफॉर्मर्स बन गई मेल्स के बाद. बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी विमेन खुद ही अपने रिफॉर्म्स लाने लग गई. दे रोट बुक्स, एडिटेड मैगजीन्स, फाउंडेड स्कूल्स, ट्रेनिंग सेंटर्स एंड सेटअप विमेन एसोसिएशंस. फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी दे फॉर्म्ड पोलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स टू पुश थ्रू द लॉज फॉर फीमेल सफरेज, दैट इज राइट टू वोट. तो वॉट इज फीमेल सफरेज, कि फीमेल्स को पहले राइट टू वोट भी नहीं दिया जाता था. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बनाए, मतलब पोलिटिकल ग्रुप्स बनाए जो कि ये प्रेशर डालें कि वीमेन को इक्वल राइट टू वोट दिया जाए, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाए और एजुकेशन दी जाए. सम ऑफ देम जॉइंड वेरियस काइंड ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशल मूवमेंट्स फ्रॉम 1920s. और 1920s जबकि 20th सेंचुरी शुरू हो गई, तो अर्ली 20th सेंचुरी, तो वुमेन ने क्या क्या काम किया, पॉलिटिकल ग्रुप्स ज्वाइन करें ताकि फीमेल्स को राइट टू वोट मिले, उनकी बेटर हेल्थ की केयर हो, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिले. और कईयों ने तो नेशनलिस्ट को ज्वाइन किया और सोशलिस्ट मूवमेंट्स को भी ज्वाइन किया. इन द 20th सेंचुरी लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस लेंट देयर सपोर्ट टू द डिमांड्स ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन. यहाँ तक कि अर्ली 20th सेंचुरी में हमारे लीडर्स जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने भी इनकी डिमांड्स को सपोर्ट किया कि हाँ भाई वुमेन को इक्वालिटी और फ्रीडम मिलना चाहिए. नेशनलिस्ट लीडर्स प्रॉमिस दैट देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस. और इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम सबको वोटिंग राइट देंगे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद. However, till then, they asked women to concentrate on the anti-British struggles. But तब तक उन्होंने क्या कहा कि तब तक आप हमें सपोर्ट करो और हम जो ब्रिटिशर्स के एंटी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल चला रहे हैं, हमें तुम उसमें सपोर्ट करो ताकि हम इनको, ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर भेजें और फिर हम अपने रूल्स चलाएं और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और अपने रूल्स बना के फिर तुमको इक्वल सफरेज दें, मतलब इक्वल वोटिंग राइट्स दें. तो फीमेल सफरेज क्या होता है, इक्वल राइट टू वोट. ठीक है. नाउ वंस वुमेन्स हस्बैंड हैज डाइड, इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे रोट. तो ताराबाई शिंदे ने, जिसने ये बुक लिखी थी, उसने क्या लिखा, इजंट अ वुमेन्स लाइफ एज डियर टू हर एज योर्स इज टू यू. क्या एक वुमेन की लाइफ उसको उतनी प्यारी नहीं है जितनी एक आम बंदे को अपनी लाइफ होती है. इजंट एज इफ वुमेन आर मेंट टू मेड ऑफ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मेन ऑल टुगेदर, मेड फ्रॉम अ डस्ट फ्रॉम अर्थ और रॉक और रस्टेड आयरन, वेयर एज यू और योर लाइव्स आर मेड फ्रॉम प्योरेस्ट गोल्ड. क्या तुम बहुत सोने से बने हो और हमारी बॉडी जो है रॉक्स, रस्ट या अर्थ से बनी है, जो हमारे को ऐसे जला दिया जाता है सती में. और ऐसा सोच, क्या तुम ये नहीं सोचते कि हमें भी कितनी दर्द होती होगी, या क्या हमें जीने का हक नहीं है, हमें भी अपनी लाइफ उतनी ही प्यारी है. यू आर आस्किंग मी वॉट आई मीन, आई मीन वंस अ वुमेन्स हस्बैंड हैज़ डाइड वॉट इज इन स्टोर फॉर हर. द बाबर कम्स टू शेव ऑल द कर्ल्स एंड हेयर ऑफ हर हेड. तो क्या किया जाता था कि जब हस्बैंड मर जाता था तो उस लेडी को बिल्कुल उसके बॉल्ड कर दिया जाता था, मतलब हेयर उसके शेव कर दिए जाते थे. जस्ट टू कूल योर आइज, बस ताकि तुम्हारे को शांति पड़ जाए कि हाँ भाई ये विडो है तो इसके जो भी रिचुअल्स थे वो पूरे हो गए हैं. शी इज शट आउट फ्रॉम गोइंग टू वेडिंग्स, रिसेप्शंस एंड अदर ऑस्पिशियस ओकेजन्स दैट मैरिड वुमेन गो टू. तो उनको ना बैड लक माना जाता था कि अगर वेडिंग्स, रिसेप्शंस या दूसरे ओकेजन्स पे अगर विडोज आ जाएंगी तो वो बैड लक होगा. अब ये चीज़ें आपने हमारी हिंदी मूवीज़ में भी देखी होंगी, बहुत सारियों में दिखाया गया है कि जो विडो हो जाती थी उनको वाइट कपड़ों में अलग रखते थे, अलग झोपड़ी पट्टी बना के कि बस अब तुम्हारा जीवन यही है, या तो तुम सती हो जाती या तुम अब बिल्कुल बाल वाल कटवा के और ऐसे रहो अलग से. एंड वाई ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस, बिकॉज हर हस्बैंड हैज डाइड, शी इज अनलकी, इल फेट इज रिटन ऑन हर फोरहेड. कि उसके फोरहेड पे, या मतलब उसको ठप्पा लगा दिया जाता है कि वो अनलकी है, वो बैड लक लेके आई है. हर फेस इज नॉट टू बी सीन, इट्स अ बैड ओमन. तो उसने लिखा था कि उसका फेस भी कोई देखना पसंद नहीं करता, उसको माना जाता है कि हमारे लिए बैड लक आ गया है भैया, अब शगुन हो गया कि अगर किसी विडो का फेस दिख गया तो. तो ये उसने अपनी बुक में लिखा है. नाउ लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, विद द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हुई एंड राइटिंग्स ऑन दीज इशूज द मोमेंटम, और चाइल्ड मैरिज के इशू पे ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग्स
मतलब ज़्यादा ज़्यादा एस डिबेट्स और ये डिस्कशंस वगैरह लिखना शुरू हुए लोग, द मोमेंटम ऑफ रिफॉर्म गेन स्ट्रेंथ. तो चाइल्ड मैरिज को भी बदलने के लिए रिफॉर्म का जो मोमेंटम था वो तेज हो गया. पीपल चैलेंज्ड अनदर एस्टैब्लिश्ड कस्टम दैट ऑफ चाइल्ड मैरिज. अब यहाँ पे चाइल्ड मैरिज का कस्टम को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया लोगों ने. देयर वर अ नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हु फॉट टू मेक अ लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज. और बहुत सारे लोग हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा कि चाइल्ड मैरिज को ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा लॉ बनाओ कि चाइल्ड मैरिज हो ही ना सके. सो इन 1929 द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, कि चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रेन करो मीन्स रोक लगाओ, ऐसा एक्ट पास किया गया विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स दैट अर्लियर लॉज हैड सीन. तो अर्लियर लॉज में तो बहुत डिबेट्स और स्ट्रगल्स होती थी बट इसमें इतना ज़्यादा डिबेट और स्ट्रगल नहीं हुआ. 1929 में ये एक्ट पास कर दिया गया. अकॉर्डिंग टू द एक्ट नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड वुमेन बिलो द एज ऑफ 16 कुड मैरी, कि 18 और 16 से नीचे पहले मैरिज ही नहीं हो सकती. और आज की डेट में ये क्या है, सब्सिक्वेंटली दीज लिमिट्स वर रेज टू 21 फॉर मैन एंड 18 फॉर वुमेन. नाउ ब्राइड एट द एज ऑफ 8, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड ब्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century, कि जब 20th century मतलब जो सेंचुरी ख़त्म किस पे होनी है, 2000 पे. तो शुरू कहाँ से हुई है, 1901 में. तो 1901 से 1929 से पहले पहले की बात होगी, बट फिर भी मतलब जो छोटे छोटे गांव है ना वहाँ फिर भी लॉ बनने के बाद भी ये कंटिन्यू होती रहती चीज़ें. इनफैक्ट सती भी बहुत जगह कंटिन्यू हुई है जब बैन होने के बाद भी. तो ये कब की पिक्चर है, 8 साल की एक ब्राइड की पिक्चर है और अर्ली 20th century की है. डिड यू नो दैट इवन टुडे ओवर 20% ऑफ गर्ल्स इन इंडिया आर मैरिड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, कि आज की डेट में भी 18 साल से पहले लड़कियों की शादी बहुत सारे एरियाज़ में कर दी जाती है, जैसे बिहारी वगैरह होते हैं ना ये सब कर देते हैं. तो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ. नेक्स्ट आएगा कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कास्ट सिस्टम को कैसे बदला गया, सोसाइटी में रिफॉर्म्स कैसे लाए गए. सो इट्स अ बिग चैप्टर, लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस वीडियो इन द नेक्स्ट, नहीं तो 2 पार्ट्स और बनेंगे. तो आई होप यहाँ तक क्लियर है. कुछ भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन.